नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी। तो चलिए बात करते हैं आज के एक और नए बैच फ्लावर मेडिसिन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हर गुरुवार को हम बैच फ्लावर मेडिसिन लेते हैं और आज की जो दवा है उसका नाम है एस्पेन। बहुत ही अच्छी दवा है, खासकर उन लोगों के अंदर जिनके अंदर बेवजह बिना काम का डर बना रहता हो। तो जानेंगे इस दवा के बारे में विस्तार से, क्या लक्षण है जिसके अंदर हम ये दवा दे सकते हैं, एक दो उदाहरण भी इसके बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे एस्पेन की। एस्पेन एक ऐसी दवा है जो बेबुनियाद डर को, हमारे मन के किसी भी बेबुनियाद डर को खत्म करता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी दवा है। दोस्तों, हर व्यक्ति के मन में किसी न किसी तरह का डर, किसी न किसी चीज का डर हो सकता है, लेकिन वो डर किस चीज का है, इसकी जो पहचान है वो उस व्यक्ति को ठीक तरह से होती है। कई लोगों को अंधेरे का डर होता है, किसी लोगों को सांप का डर होता है, किसी को कुछ बुरा घटित होने का डर होता है, तो किसी को कोई बीमारी हो जाने का डर होता है। और स्पेसिफिकली लोग बोलते हैं, पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा या मुझे हार्ट की बीमारी हो जाएगी। इस तरह का डर, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के डर हमें लोगों के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन एस्पेन वो दवा है जो ऐसे लोगों के अंदर दी जाती है जिनके अंदर किसी कोई कारण हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो लोग डरा हुआ महसूस करते हैं। उनके मन में कोई उनके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होती है, उनके मन में कोई ऐसी बात नहीं होती है कि किसी चीज का उन्हें डर है, भूत प्रेत अंधेरे किसी चीज का मन में वहम नहीं होता है, डर नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें बेवजह डर लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर हमें एस्पेन के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एस्पेन के रोगियों की खास बात यह है कि ये जो डर है ये उन्हें कुछ समय तक के लगता है, अचानक कभी भी आ जाता है, और कुछ समय तक की ये डर की भावना उनके मन में रहती है, लेकिन धीरे धीरे ये भावना निकल जाती है। और जब ये अटैक जैसा आता है, एक अटैक जैसा निकल जाता है, उसके बाद में पेशेंट जो होता है, रोगी जो होता है, वो पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो ये लक्षण सभी हमें एस्पेन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एस्पेन की ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस दवा में बहुत ज्यादा चीजें कुछ है नहीं, यही एक लक्षण है जिसके ऊपर यह दवा दी जाती है। इसका कीवर्ड है वेग फियर ऑफ अननोन ओरिजिन, बिना किसी कारण का बेवजह अवे ही यदि कोई डर जा रहा है, तो ऐसे लोगों के अंदर हमें एस्पेन इंडिकेटर देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई खास कारण इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलता जिसके अंदर ये मेडिसिन इंडिकेट होती हो, लेकिन ये लक्षण ही अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि डर बेवजह होना भी एक बहुत बड़ा लक्षण है आप यदि रेट्रोस्पेक्टिवली सोचो तो। क्योंकि डर का कारण ही किसी को यदि नहीं पता है तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाता है, और तब एस्पेन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। एक केस आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरी एक स्टूडेंट थी, बीएचएमएस में मैं गेस्ट लेक्चरर के तौर पे काम करता हूँ, तो वहां पे मेरी एक छात्रा थी, 2 साल पहले मेरे पास में आई थी, और वो पास नहीं हो पा रही थी, एग्जाम में पास नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उसको पूछा कि आप क्यों नहीं पास हो पा रहे हैं। उन्होंने केस हिस्ट्री दी, सर मैं जब भी एग्जाम देने जाती हूँ तो अचानक से मुझे पेपर के बीच में डर लगना शुरू हो जाता है, मुझे बहुत सारा पसीना आता है और मैं बहुत घबरा जाती हूँ, और उस दौरान मुझे कुछ भी सूझता नहीं है। तो उसके जब लक्षण और डिटेल में लिए तो पता चला, उसको मैंने हर चीज से पूछा, क्या आपको फेल होने का डर है, या आपको कुछ गलत लिख के आने का डर है, या आपको मार्क्स कम मिल जाएगा इस चीज का डर है, या आपको फियर ऑफ फेलियर है, ये सभी चीजें पूछी। तो वो शी वॉज लाइक, ठीक है, मुझे इन सभी चीजों का डर नहीं है, फेल होना तो किसे पसंद होगा, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है, मुझे घर से कोई प्रेशर नहीं है कि बेटा तू फेल हो जाएंगी तो तेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। घर पे भी बहुत अच्छे तरह से थे, उसके माता पिता भी अच्छे थे, और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इस डर की वजह से आगे ना बढ़ पाए, तो वो काफी सपोर्टिव थे और वो कभी फेल होने के लिए प्रेशर नहीं डालते थे। ऐसे में उस छात्रा के अंदर मुझे किसी तरह का कोई खास डर देखने को नहीं मिला। धीरे धीरे हुआ ये कि एक दो अटेम्प्ट फेल होने के बाद में उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो भी कम हो गया,
और फिर वो अकेले अकेले रहना पसंद करने लगी। उसके जो ऑब्वियसली जो क्लासमेट्स थे वो आगे चले गए और ये पीछे रहेगी, तो थोड़ा वो फर्क भी गिरता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़्यादा किसी से बोलना नहीं चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी। उसको समझाया, बेटा ये तरीका नहीं होता है। जब कोई खास लक्षण नहीं दिखे और सिर्फ बेवजह डर उसको अचानक से आता हुआ देखने को मिला, मतलब एग्जाम में ही हुआ ऐसा नहीं, एग्जाम के बाद में भी उसको रेगुलर की लाइफ में इस तरह का बेवजह डर होता था और अचानक से उसको डर आता था। धीरे धीरे तो जो रोज के काम थे वो भी करने को वो कतराती थी क्योंकि पता नहीं कब उसको वो अटैक आ जाए, डर का अटैक आ जाए। तो ऐसे में ये सभी लक्षणों को देखते हुए मैंने उसको एस्पिरिन यह दवा दी थी और एस्पिरिन देने के बाद में उसके अंदर ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। वो जो बेवजह डर आने का एपिसोड था वो सिर्फ दो महीनों के अंदर कम हो गया, जहाँ पे वो बच्ची के दो अटेम्प्ट फेल हो गए, यानी लगभग एक डेढ़ साल से वो बच्ची इस समस्या से जूझ रही थी, वो सिर्फ दो महीने के अंदर इस दवा से ठीक हो गई। और साथ ही साथ उसके जो कुछ फिजिकल लक्षण थे, पिंपल्स वगैरह थे, वो भी इसी दवा की असर से मुझे कम होते हुए देखने को मिले। तो बहुत अच्छी दवा है दोस्तों। बैच फ्लावर मेडिसिन में डर के लिए और एक दो दवाइयां है, रॉक वाटर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मिमुलस नाम की एक और दवा आती है। अगले गुरुवार को हम मिमुलस के बारे में बात करेंगे। मिमुलस के अंदर डर किसी कारण से यदि होता हो तो बहुत अच्छी तरह से काम करती है मिमुलस। तो एस्पिरिन को और मिमुलस को अगले गुरुवार का जो एपिसोड रहेगा उसके अंदर हम कंपेयर भी करेंगे, तो वो एपिसोड देखना आप बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों जाते जाते दो तीन चीजें और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे पेशेंट को बेवजह डर होता है, डर के साथ में पेशेंट घबरा जाता है, उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसकी आंखें थोड़ी कंफ्यूजिंग सी हमें देखने को मिलती है। आप एक्सप्रेशन देख के पेशेंट के बता दूंगी कि पेशेंट को घबराहट हो रही है, लेकिन खुद वो बोल नहीं पाएगा, खुद वो एपिसोड जाने के बाद में भी समझा नहीं पाएगा आपको कि वो किस चीज का डर था जिसकी वजह से वो एकदम से घबरा गया था। और साथ ही साथ दोस्तों जब पेशेंट अकेला रहता है तब हमें यह जो एपिसोड है डर का ये ज्यादा आता हुआ देखने को मिलता है। तो जब अकेले है तब उन्हें डर ज्यादा लगता है, जब कोई ना कोई साथ में हो तो उन्हें डर इतना ज्यादा नहीं लगता है। तो इन कंपनी उन्हें पैनिक अटैक कम आते हैं या डर के अटैक कम आते हैं, लेकिन जब अकेले रहते हैं तब उन्हें डर के अटैक ज्यादा आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ जब भी उन्हें डर आता है तो वो खुली हवा की तरफ जाना पसंद करते हैं, खुली हवा में उन्हें डर नहीं महसूस होता। तो ये सभी लक्षण हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलता है, एस्पिरिन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये थी हमारी आज की बैच फ्लावर मेडिसिन, छोटी सी थी, दो चार ही लक्षण है लेकिन इंपॉर्टेंट लक्षण है, ये ध्यान में रखिए। अगले हफ्ते का एपिसोड बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उसमें हम मिमुलस और एस्पिरिन को कंपेयर करेंगे और दोनों के डर के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों के अंदर किस तरह से अलग अलग डर आता है, ये कंपेयर करके मैं आपको बताऊंगा। तो जरूर अगले थर्सडे का जो एपिसोड है वो जरूर देखिएगा बैच फ्लावर मेडिसिन का, जिसमें हम मिमुलस के बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी के इजाजत चाहूंगा, आशा करता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो जानकारी दी ये आप सभी को पसंद आई होंगी, आपको समझ में आई होंगी कि बैच फ्लावर मेडिसिन को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, कौन से लक्षणों पे करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए आप सभी की इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।